सो फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग, एकदम तरोताज़ा कर देने वाला, सुपर टेस्टी, ठंडा ठंडा, कूल कूल, एनर्जी से भरा हुआ शरबत की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और गाइस, सबसे ज़्यादा खास बात इसकी ये है कि बस कुछ एक चीज़ों से मिनटों में बनके तैयार होने वाले इस शरबत का प्री मिक्स या फिर कॉन्सेंट्रेट भी आज हम बनाएंगे, जिसे आप बना करके रख सकते हैं स्टोर करके और महीनों तक उसे यूज कर सकते हैं शरबत बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले, हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवर किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है एक पैन में, फुल क्रीम दूध है गाइस, और इसमें से करीब 2 से 3 बड़ा चम्मच मिल्क निकाल करके मैंने अलग रख लिया है। और अभी मैंने इसमें डाली है 1/3 कप शक्कर, और ये करीब 100 ग्राम से थोड़ी सी कमी शक्कर होगी। और इसको मिक्स करने के बाद अभी सबसे पहले हमें मिल्क में उबाल आने देना है। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ जो हमने मिल्क निकाल करके रखा है कटोरी में, इसमें मैं ऐड करी हूँ 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो मिल्क के साथ कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके एकदम स्मूथ स्लरी जैसी बना लेंगे हम। और दूसरी तरफ हमने देखा कि मिल्क जो था वो अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आपको कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क मिला देना है इसमें, और मिक्स करते हुए हल्का सा गाढ़ा होने देना है, मतलब मीडियम आंच में ही आपको इसे करीब 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाती है मिल्क की, मतलब बिल्कुल ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे आप गैस ऑफ कर दीजिए और इस मिल्क को जा करके आपको रख देना है ठंडा होने के लिए, सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं पिस्ता बादाम कॉन्सेंट्रेट हमारे शरबत के लिए। और गाइज, ये कॉन्सेंट्रेट इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, जब मर्जी हो 2 मिनट के अंदर आप शरबत बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने करीब 12 से 15 बादाम और साथ ही 1/4 कप पिस्ता भिगो करके रखा था रात में, जो कि अभी तक अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और ये सारे के सारे बादाम छील छील करके आपको इस ग्राइंडिंग जार में डाल देने हैं, और साथ ही पिस्ते भी छील छील कर ही मैं यूज़ कर रही हूँ, डाल रही हूँ इस ग्राइंडिंग जार में। मैं आपको बताती चलूँ कि बादाम भिगाने के बाद ना इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, और साथ ही पिस्ता भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस का भंडार होता है। तो इन दोनों ही ड्राई फ्रूट्स को अगर आप भिगो कर भी यूज़ करते हैं शरबत बनाने के लिए, तो जो शरबत बनता है ना, उसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस होती है, थकान बिल्कुल दूर हो जाती है, एकदम फ्रेश सा फील होता है, मतलब तुरंत ही एनर्जाइज हो जाते हैं। भयंकर गर्मी जो होती है ना, उसमें बहुत ठंडक देने वाले और एनर्जी बूस्टर होते हैं इस तरीके के ड्रिंक्स जो आज हम तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा का सारा पिस्ता और बादाम छील करके हमने डाल लिया है। अभी मैंने इसमें डाला है 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर और करीब 1/2 कप पानी मैंने इसमें डाल लिया होगा, या थोड़ा सा कम ही पानी है। और अभी इसको महीन एकदम हमें पीस लेना है, तो मतलब महीन होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर 2-3 दाने से दरदरे से हैं तो वो रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शरबत में अच्छे लगते हैं वो। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, ये देखिए पैन वाला जो मिल्क था ना, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसलिए आपको इसको ट्रांसफर कर लेना है यहाँ पे एक बोल में। और साथ ही मैंने यूनिरैप यहाँ पे लिया हुआ है। यूनिरैप जो होता है ना, नॉनस्टिक इको फ्रेंडली होता है, रीयूजेबल होता है, मतलब आप कई बार यूज कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने यूनिरैप से कवर कर लिया है मिल्क को। और इस मिल्क को जाकर के हम रख देंगे फ्रिज में, यूनिरैप यूज करने से बिल्कुल फ्रेश रहेगा मिल्क, और इसे हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा करेंगे, जब तक कि हम बाकी की तैयारियां करेंगे शरबत बनाने की। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने बादाम पिस्ता वाला अपना पेस्ट बनाया था ना, उसको मैंने ट्रांसफर कर लिया है एक पैन में, और साथ ही अभी मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1/3 कप ही पानी और 1/3 कप शक्कर, करीब 80 ग्राम शक्कर होगी, मतलब 80 ml वाटर होगा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया हमने, और अभी आपको इसको पकाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जैसे ही आप इसको पकाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें बबल्स जैसे आने लगे हैं, इसलिए आप इसको लगातार चलाते हुए पकाएगा, ताकि ये बॉटम में लगे नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, ये उबलते उबलते आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है, मतलब नेचुरल ग्रीन पिस्ता वाला जो कलर होता है वो कलर तो आ गया इसमें, लेकिन मार्केट वाला कलर अगर हमें देना है इसको, तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे ग्रीन फूड कलर। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन जेल फूड कलर की एक ड्रॉप डाल ली है, अगर आपके पास पाउडर फूड कलर तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसकी जगह पे गुलाब जल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फ्रेश सा, रिफ्रेशिंग सा टेस्ट और फ्लेवर होता है इसका। और अभी सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, नहीं तो ये देखिए हरा हरा सा हमारा मिक्सचर बन करके रेडी हो गया, जैसे पिस्ता क्रश होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का। और अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, जब तक कि एकदम गाढ़ा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही गाढ़ा हो जाता है, आपको इसे
तब तक और पकाना है जब तक इसमें एकदम बड़े बड़े वाले बबल्स नहीं आने शुरू हो जाते। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बड़े बड़े वाले बबल्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब है, ये पहचान है कि आपका बादाम पिस्ता शरबत का कॉन्सेंट्रेट बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो गैस ऑफ कर देंगे इसको, एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब्जा के सीड्स लिए हैं, तो एक दो चम्मच सब्जा के सीड्स को थोड़े से पानी में भिगो करके रख दीजिए 15 मिनट के लिए, और ये फूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जा के सीड्स ना ठंडी तासीर के होते हैं, ठंडक देते हैं गर्मियों में, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। वैसे आप चाहें तो उनको यूज़ करना स्किप भी कर सकते हैं, रहने दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एकदम अच्छे से ठंडा हो गया कॉन्सेंट्रेट, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ये। अभी ना ये प्रिजर्व होने के लिए तैयार है, मतलब आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दीजिए, 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको शरबत बनाना हो, बस आप मिल्क लें, उसमें ये कॉन्सेंट्रेट ऐड करें कम से कम 2 बड़ा चम्मच, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो शक्कर ऐड कर दीजिएगा, और आपका पिस्ता बादाम शरबत पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा चुटकियों में। तो ये देखिए, जो मिल्क था ना वो भी ठंडा हो चुका है जो हमने फ्रिज में रखा था, इसलिए अभी हम इसमें ऐड करेंगे करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच ये पिस्ता वाला हमारा कॉन्सेंट्रेट, और इसको मिक्स कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना बढ़िया साइज का कलर आ गया है, एकदम पिस्ते वाला कलर। तो इस स्टेज पे हम हमारे चॉइस के थोड़े से बादाम और पिस्ते ऐड करेंगे। आप अपनी चॉइस के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बादाम पिस्ता डाला था क्रश में। साथ ही गाइस, थोड़ी सी सब्जा की सीड्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ी सी ड्राई रोज की पत्तियां भी मैंने इसमें डाली हैं, थोड़ा सा इसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। सारी चीजों को मिक्स कर दिया और हमारा बिल्कुल परफेक्ट रॉयल बादाम पिस्ता शरबत बनकर के बिल्कुल तैयार है। गाइस, सुपर टेस्टी लगता है ये, और सच कहूँ तो मतलब एक तरह की एनर्जी ड्रिंक है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ और थोड़े से केसर के साथ में डेकोरेट किया है, और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।